आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट खटीक, अगर इस तरह की लिखते हैं, तो मैं अभी, चूंकि हम जाति मुक्त बने नहीं हैं, हमारा देश अभी जातियों से मुक्त नहीं हुआ है, और ये लोग बार बार कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो मैं कहता हूँ कि भारत असल में जाति प्रधान देश है, और यहाँ जाति जो है वो लोगों की रगों में दौड़ती है। लोगों को कहीं मुख्यमंत्री मंत्री बना देते हैं और बहुजन विरोधी फैसले पे उसके सिग्नेचर लेते हैं, तो ये नाम हमारा, एजेंडा उनका, ये जो है ये समझने वाली बात है कि वो कैसे हमारे लोगों को आगे करके अपना काम चला रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता में आते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यूपी में हमने देखा कैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं काम कर रहे हैं, या बाकी राज्यों में जो लोग उनके काम करते हैं, वो और ज़्यादा खुलकर सामने आएंगे, उनके अंदर की जो कहीं की दलित विरोधी मानसिकता है वो ज़्यादा सामने आएगी। क्योंकि राजस्थान में आप देखिए, जो मलिंगा जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने एक बिजली विभाग के इंजीनियर को, कर्मचारी को इतना पीटा कि किस जगह से उनकी हड्डियाँ टूट गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एनलिशन ऑफ कास्ट में ही लिखते हैं कि जाति की व्यवस्था पर जो चीज़ बनेगी वो गिर जाएगी। जाति के ऊपर आप कभी भी जो है गर्व नहीं कर सकते, जाति के ऊपर आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भारत में आप देखते हैं कि गाड़ियों पे जातियों के नाम लिखते हैं, बहुत प्राउडली जाति के नाम को बोला जाता है, तो यह एक तरीके की क्रिया और प्रतिक्रिया है। जब वहाँ से वो देखिए, आप मतलब हरियाणा पंजाब के जितने गाने देखेंगे तो आपको एक ही जाति के गाने सुनाई देंगे, उसके अगर रिएक्शन में कोई गाना हमारी जाति से आता है तो कहीं ना कहीं वो कास्ट असर्शन है, वो प्रतिक्रिया है उसके तौर पे। तो वक्त लगेगा, पहले कम से कम कंफर्टेबल हो जाएं हम अपनी जाति को लेके। जब आप कंफर्टेबल, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ, और साथियों आज हम 26 अलीपुर रोड पर, जी हां वही 26 अलीपुर रोड जहां पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, और वही अंतिम सांस किस तरह से इतिहास बन गई, उसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ में सुमित जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुमित जी, जानना चाहूंगे जिस तरह से देश के कोने कोने से यहां पर बहुजन समाज के लोगों की संख्या हमें दिखाई दे रही, लेकिन विडंबना है कि जो लोग आज बाबा साहब की जय जयकार करते उनका नाम लेते वो लोग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, क्या इस तरह से बाबा साहब की विचारधारा या उनके नारे लगाकर ही मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोल के गए कि हमको शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है, तो जो उन्होंने संगठित होना बात बोली ना, मुझे लगता है वो हमारे लोगों को ये समझ में आया कि संगठन बनाओ जी। तो संगठित होने का मतलब संगठन बनाओ उन्होंने समझा, और आप देखें कि एक दर्जन दलित हैं तो दो दर्जन उनके संगठन हैं, मतलब हजारों लाखों संगठन आपने बना लिए, लेकिन वो संगठन पेपर पे हैं, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है। हम लोग जितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, जितनी पीड़ा हमारे लोग झेल रहे हैं, अगर आपके संगठन मजबूत होते, अगर आपका नेटवर्क अच्छा होता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपका हाथ भी कोई लगा पाए। आप जेल जाके आइए, आपने देखा होगा किस तरह से चीज़ें होती हैं हमारे लोगों के साथ में। तो हमारा नेटवर्क हो, अच्छे वकीलों का, अच्छे जो हैं डॉक्टर्स का, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स का, अच्छे जर्नलिस्ट का, तो इस तरह की अगर नेटवर्किंग हो, संगठन हो, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रही बात नारे लगाने की, तो जो नारा लगा रहा है ये भी समझना है कि क्या वो सिर्फ हमारा वोट चाहता है, वो सिर्फ हमारे वोट पाने के लिए नारे लगा रहा है, क्योंकि ये है ना कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, तो ये काम तो नहीं है कि वो सिर्फ मूर्ति पर माला डाल के हमको ये दिखा देता है कि भाई बाबा साहब को हम भी मानते हैं, हम उनके फ़ैन हैं, और पीछे से बैकडोर से वो वही अपने एजेंडे को, मनुवादी एजेंडे को लागू कर रहा हो और हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो, तो ये समझने वाली बात है, इसका ख्याल रखना चाहिए। जी सुमित जी, जिस तरह से अगर हम बाबा साहब की बात करें, उन्होंने जाति का विनाश एक पुस्तक लिखी, और लगातार उन्होंने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए भारत देश में बहुत बड़े स्तर पर काम किया, विदेशों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज क्या बात है कि आज भी बहुजन समाज के तमाम लोग द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहे, द ग्रेट वाल्मीकि का लगा रहे, द ग्रेट खटीक का लगा रहे, तमाम ऐसी जातियाँ जो बहुजन समाज से आती हैं, तो क्या लगता है ऐसे में हम बाबा साहब की वो संकल्पना जिसकी बात करते थे कि पूरा भारत बोध में हो, साकार हो पाएगी? ये देखिए, थोड़ा सैद्धांतिक सवाल है आपका, इसका जवाब बहुत आसान नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वक्त लेके आंसर दूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं कि मैं जाति को ख़त्म करना चाहता हूँ, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न भी किए, बताया भी कि कैसे जाति व्यवस्था भारत में काम करती है, अपनी थीसिस में उन्होंने लिखा, अपनी किताबों में पूरा मैकेनिज्म वो जातिवाद का समझाते हैं, उसको ख़त्म करने के तरीके भी बताते हैं। लेकिन बाद के सालों में उनके जाने के बाद देखे, जब जाति पर मान्यवर कांशीराम साहेब बात करते हैं और वो जाति को
जो कि दलित समाज की, बहुजन समाज की कमजोरी थी, उसको वो उनकी ताकत बना देते हैं। और कांशीराम साहब कहते हैं कि अगर किसी को जाति से दिक्कत है तो वो जातियों को खत्म कर दो, जब तक जाति खत्म नहीं होती तब तक मैं इसको ताकत बनाऊंगा और राजनीतिक ताकत के रूप में इसका इस्तेमाल करूंगा। तो कांशीराम साहब ने उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया और अपनी सरकार बनाई, हमारे में ये कॉन्फिडेंस विकसित किया कि हम अपनी सरकार बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए कि वो देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार उन्होंने सरकार बनाई और इतना बड़ा संदेश दिया। लेकिन अब जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट खटीक, अगर इस तरह की लिखते हैं, तो मैं अभी, चूंकि हम जाति मुक्त बने नहीं हैं, हमारा देश अभी जातियों से मुक्त नहीं हुआ है। और ये लोग बार बार कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो मैं कहता हूँ कि भारत असल में जाति प्रधान देश है और यहाँ जाति जो है वो लोगों की रगों में दौड़ती है, वो खून के साथ साथ इनके चलती है, दिमाग में, खून में, सब जगह वो जातियाँ दौड़ती हैं और हर तरह से जातिवाद देखने को मिलता है। ऐसे मुश्किल माहौल में जब आप किराएदार जाति देख के देखते हो, आपको दामाद जो है, बहू बेटी जो है वो जाति देख के चाहिए, आप जो हैं अपने घर में कोई काम कराना चाहते हैं तो कर्मचारी की जाति पूछ लेते हैं। एक उदाहरण है, महाराष्ट्र में एक ओबीसी महिला जो है वो खुद को ब्राह्मण बता के कुक का काम कर रही थी, तो जिनके यहाँ काम कर रही थी उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया कि उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, झूठ बोला कि ये तो ब्राह्मण है, जबकि ये ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी है। तो इस तरह के समाज में जब इतना भयंकर जातिवाद है, उस दौर में अगर आप अपनी जाति को लेके कंफर्टेबल होते हैं, अब क्योंकि दलितों में क्या है ना कि अपने आप में एक हीन भावना होती है, गिल्ट होता है कि अरे मैं चमार हूँ तो कोई मतलब, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ तो मैं छोटा आदमी हूँ, तो वो भावना से बाहर निकलना अपने आप में कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अगर कोई जय वाल्मीकि या जय ग्रेट चमार इस तरह से कुछ लिखता है तो मुझे इनिशियली इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इस बात को लेके शर्मिंदा होना बंद करना पड़ेगा कि हमारी जाति है क्या। जब आप उसको लेके शर्मिंदगी से बाहर निकलेंगे और जाति को लेके कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि मैंने जाति नहीं बनाई, तो जिसने जाति बनाई है और जिसको सबसे ज़्यादा जाति का फ़ायदा हुआ है उसको शर्म आनी चाहिए, वो शर्मिंदा होना चाहिए, मैंने जाति नहीं बनाई, मैं जाति का पीड़ित व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे शर्म नहीं आएगी। तो जब मैं इस भावना से बाहर निकलूँगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले सालों में वो जाति को पूरी तरह से छोड़ भी देंगे। और अभी तो वो सिर्फ अपने आप को सहज हुए, मतलब इतने साल से आपने उनकी जाति के नाम को गाली बना दिया, अब वो कह रहे हैं कि ये गाली नहीं है, मुझे शर्म नहीं आ रही। तो अभी तो उन्होंने ये शुरुआत किया है, भविष्य में वो और बेहतर करेंगे। लेकिन आपको लगता है नहीं कि वर्तमान समय में जिस तरह से सत्ता पे काबिज लोग हैं, आज हम देख रहे हैं कि जाति के आधार पर लगातार अत्याचार शोषण हो रहे हैं, और बाबा साहब ने जाति को खत्म करने की बात की, और जिस तरह से बाबा साहब का जो अंतिम एक सपना था कि बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, तो क्या लगता है आज बहुजन समाज के लोगों को जाति छोड़कर उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं फिर दोहराऊं कि पहले तो अपनी जाति को लेके आप सहज हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं कि जाति व्यवस्था आपने नहीं बनाई तो आपकी कोई गलती नहीं है। आपको जातियों में जिन्होंने बांटा, जिन्होंने जातियां बनाई, जो जाति का सबसे ज़्यादा फायदा ले रहा है, जो जाति का यूज़ कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिसने बीमारी बनाई है वो शर्मिंदा हो, जिसको बीमारी लगी है वो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उससे उसको तो फायदा हो रहा है ना, जिसने बनाई है वो फायदा ले रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए। हमको अपनी जाति को लेकर कंफर्टेबल होना चाहिए उसमें कोई, हम अपने बच्चों को समझाएं कि आप, क्योंकि भारत जाति प्रधान देश है, हम नहीं बताओगे तो उनको तकलीफ होगी, उनको बाहर ताने मिलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, इसलिए उनको कंफर्टेबल करो और बाद में आप जाति के भ्रम को छोड़ दो। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही लिखते हैं कि जाति की व्यवस्था पर जो चीज़ बनेगी वो गिर जाएगी। जाति के ऊपर आप कभी भी जो है गर्व नहीं कर सकते, जाति के ऊपर आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भारत में आप देखते हैं कि गाड़ियों पे जातियों के नाम लिखते हैं, बहुत प्राउडली जाति के नाम को बोला जाता है, तो यह एक तरीके की क्रिया और प्रतिक्रिया है। जब वहाँ से वो देखिए आप, मतलब हरियाणा पंजाब के जितने गाने देखेंगे तो आपको एक ही जाति के गाने सुनाई देंगे, उसके अगर रिएक्शन में कोई गाना हमारी जाति से आता है तो कहीं ना कहीं वो कास्ट असर्शन है, वो प्रतिक्रिया है उसके तौर पे, तो वक्त लगेगा। पहले कम से कम कंफर्टेबल हो जाएं हम अपनी जाति को लेके। जब आप कंफर्टेबल हो गई, पहले तो ये स्वीकार करना कि मैं चमार हूँ और मेरे चमार होने में मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। भाई तुम कह रहे हो चमार कहीं के, तो तुम गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ द ग्रेट चमार, तो आप समझ रहे हैं वो स्वाभिमान, वो आत्मसम्मान जब जाति के नाम से अगर जुड़ता है और आप अपने इतिहास भूगोल को जानते हो, तो धीरे धीरे आपको फिर उससे जाति के नाम से भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए जब अभी क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो समझ रहे हैं, तो आगे चल के वो धम्म की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हमारा रास्ता वहीं जाता है।
जैसे जैसे आप बाबा साहब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अंत में जाके वो बुद्ध धर्म में ही कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, बंधुता और न्याय की बात करता है। तो जब इस पैमाने पे आप बाकी धर्मों को परखोगे तो मिलेगा कि कहीं कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं कोई जगह ही नहीं हमारे लिए, तो वो धम्म की तरफ ही रास्ता जाएगा। अभी यात्रा की शुरुआत है, मतलब बेचारे हमारे लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि हमको उस पर बहुत हायतोबा नहीं मचानी चाहिए। हमारे ही लोग हैं, अभी उनको बोलने दो। जिस दिन जैसे तथागत बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ ना, एक दिन ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनको एनलाइटनमेंट हुआ, तो वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। तो बुद्ध जिस दिन बने, जिस दिन उनका एनलाइटनमेंट हुआ, तो पूरी दुनिया में उनका नाम गया। तो ऐसे ही हमारे व्यक्ति को, आपको, मुझे, जिस दिन एनलाइटनमेंट हो जाएगा, जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, तो हम सब उस कुचक्र से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं एक बात और जानना चाहूंगी, आज मैंने दिल्ली में कम से कम 5-6 घंटे भ्रमण किया है, मैं आपको बताऊं, और उसका कारण ये था कि जो सत्ताधारी लोग, चाहे मैं दिल्ली सरकार की बात करूं या केंद्र की बात करूं, क्योंकि अक्सर ये लोग बाबा साहब के नाम को बहुत ज्यादा चुनावी माहौल में भुनाते हैं, लेकिन विडंबना जानकर ये हुई मुझे आज की दिल्ली में कहीं पर भी मुझे बाबा साहब के जो आज पुण्यतिथि है उसका एक बोर्ड ना तो केंद्र सरकार की तरफ से ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से लगा दिखाई दिया। तो क्या लगता है, ऐसे में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे नाता नहीं तोड़ना चाहिए इन पार्टियों से? बिल्कुल, ये तो हमारी लड़ाई है ही कि हम ऐसी मनुवादी ताकतों को जो खुलेआम संविधान के बदलने की बात करती हैं, संविधान की जब प्रतियां जलाती हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है उस आदमी को संसद में बुलाते हैं, संविधान के साए में आप किसी धर्म विशेष की बात करते हैं, तो ऐसी पार्टियों से तो बिल्कुल नाता तोड़ना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने सुबह सुबह संसद भवन में जो है बाबा साहेब को पुष्प अर्पित किए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो सरकारी लेवल पर तो करते हैं, लेकिन वो यही है कि आप फोटो दिखाओ, माला दिखाओ, विचारों पर मत लेके आओ। औपचारिकताएं हैं कि फॉर्मेलिटी कर दो और हमारे समाज के लोगों का वोट ले लो, तो हमें उनको बिल्कुल समझना चाहिए। और जैसे अभी 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, वो परेशान करने वाले हैं कि मतलब इतने जो संविधान के विरोधी ताकतें, अगर वो इस तरह से बेलगाम हो जाएंगी तो हमारा होगा क्या? संविधान बचेगा नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल, आपने बात करी अभी, जिस तरह से अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जो सुखदेव सिंह है गोगीवाड़ा, उसकी हत्या कर दी गई है, और उसी तरह से देख रहे हैं कि जो व्यक्ति लगातार संविधान को खत्म करने की बात करता, जो लगातार खुले तौर पर ये कहता नजर आता था कि जो आरक्षण के समर्थक है इनको जहां मिले वहां उड़ा दो, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कगार में लगा दिया गया, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना तांडव करेंगे? ये तो देखिए, उनके हाथ में जब सत्ता है तो वो अपना ही एजेंडा लागू करेंगे, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो एजेंडा भी हमारे लोगों से ही लागू करवाते हैं। हमारे आदमी को जो है राष्ट्रपति बनाया तो सारे वैसे एंटी जो दलित कानून थे उन पर हस्ताक्षर करवा लिए, उनका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया गया। हमारे लोगों को कहीं मुख्यमंत्री मंत्री बना देते हैं और बहुजन विरोधी फैसले पे उसके सिग्नेचर लेते हैं, तो ये नाम हमारा, एजेंडा उनका, ये जो है ये समझने वाली बात है कि वो कैसे हमारे लोगों को आगे करके अपना काम चला रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता में आते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यूपी में हमने देखा कैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं काम कर रहे हैं, या बाकी राज्यों में जो लोग उनके काम करते हैं वो और ज़्यादा खुलकर सामने आएंगे, उनके अंदर की जो कहीं कि दलित विरोधी मानसिकता है वो ज़्यादा सामने आएगी। क्योंकि राजस्थान में आप देखिए, जो मलिंगा जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने एक बिजली विभाग के इंजीनियर को, कर्मचारी को इतना पीटा कि किस जगह से उनकी हड्डियाँ टूट गई। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि बहुजन समाज ने बहुत उसका विरोध किया था, तो वो बीजेपी में चले गए। हालांकि वो हार गए वहाँ से चुनाव, वो हार गए, लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को सम्मान दे रही है जो दलितों की हड्डियाँ तोड़ता है। तो जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये बहुजन समाज संगठित हो जाए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक विचार जो है वो एक पौधे की तरह होता है, जिस पौधे को आप खाद देते हो, पानी देते हो, उसको धूप छांव से बचाते हो, तो तब वो फलता फूलता है, बड़ा होता है। और बाबा साहब कहते हैं जैसे वो पौधा जो है वो मर जाता है, वैसे ही विचार भी मर जाते हैं अगर उनको खाद पानी ना मिले, उनका प्रचार प्रसार ना हो, उनके बारे में कहें कि लोगों को बताएं ना, वो समझ में ना आए लोगों की, तो विचार भी मर जाते हैं। तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों, माँ महिलाओं ने जो विचार दिए हैं, जो काम किया है, उसको हम याद रखें, हमारी जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करें। मुश्किल दौर है काफ़ी, इस समय जो है हालात ख़राब हैं हमारे लिए, दलित समाज, बहुजन समाज काफ़ी सारी मुश्किलों से गुजर रहा है। ऐसे दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम समाज को, अपने इतिहास को भी रूबरू कराएं, अपना वर्तमान में जो चुनौतियां उस पर भी बात करें, और भविष्य के लिए कुछ अच्छी रणनीति भी बनाएं कि हमारा भविष्य भी कैसे बेहतर होगा, तभी काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सुमित जी से जिस तरह से आज के दिन को लेकर हमने चर्चा की और भी कई मुद्दों को छुआ, तो वास्तव में कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि
वही बातें बार बार आती है कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला, और बहुजन समाज जब तक इस चीज का हिस्सा बनता रहेगा तब तक वो कभी भी सही रूप से बाबा साहब के जीवन संघर्ष को नहीं समझ पाएगा, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएगा और लगातार सत्ताधारी लोगों की गुलामी करता रहेगा। तो आज जरूरत है, संकल्प लेना पड़ेगा इस बहुजन समाज के लोगों को, अगर आपको सही दिशा में बढ़ना है तो बाबा साहब के दोनों सपनों को चरितार्थ करने के लिए पूरा तन मन धन आपको समर्पित करना है, अन्यथा तो आप सत्ता से भी दूर है और जिस सपने की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे कि पूरा भारत बोध में हो वो भी कभी नहीं हो पाएगा।